कानपुर श्री दादी जी भक्त परिवार के तत्वाधान में मां झुंझुनू वाली श्रीरानी दादी जी के 20वें मंगल उत्सव के दौरान 151 महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर माताजी का आशीर्वाद ग्रहण किया। इस अवसर पर मोनिका तुलस्यान तथा रोहित तुलस्यान ने बताया कि द्वई नगर स्थित भोलेश्वर मंदिर से मंगल कलश यात्रा निकालकर विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए मंदिर प्रांगण में समाप्त हुई। मंगल उत्सव कार्यक्रम में मुंबई से आए भजन गायक कुलदीप दीक्षित द्वारा भजन गीत गाए गए। इसके उपरांत विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुधीर तुलस्यान, अविनाश खेमका, बालकृष्ण देवड़ा, अनिल अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, रामावतार झुरिया, अमित गुप्ता, अतुल अग्रवाल आदि लोग उपस्थित रहे। मनीष गुप्ता की खास रिपोर्ट। तुलस्यान, भोलेश्वर श्याम मंदिर में हर साल जो है 20 दादी जी का मंगल कलश एवं जो है मंगल पाठ होता है, उसी के उपलक्ष में 14 सितंबर को जो है ये कलश यात्रा 20वें उत्सव के हिसाब के उपलक्ष में जो है कलश यात्रा निकाली जा रही है। और ये 151 कलश हमारे इस बार के हुए हैं। यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी? भोलेश्वर श्याम मंदिर से होते हुए एच ब्लॉक, ई ब्लॉक होते हुए हनुमान मंदिर होते हुए एम ब्लॉक होते हुए चंदंगा अपार्टमेंट होते हुए और ये फिर से जो है भोलेश्वर श्याम मंदिर में ही आएगी। दादी का मंदिर यहाँ पे है और उसी मंदिर में जो है फिर से जो है दादी जी की वो होएगी, उसी पे होएगी। और उसके बाद जो है दादी जी का जो है मंगल पाठ होएगा, जो दो दिनों का ये कार्यक्रम है और इसकी तैयारी में हम लोग महीनों से लगते हैं। दादी जी का मंगल कलश यात्रा है, मंगल पाठ है, सुबह के समय जात पूजा उत्सव होगा और उसके बाद नित्य नाटिका भी है और साथ में जो है दादी जी का जो है एक चुनरी उत्सव भी बहुत ही दिव्य रूप में जो है चुनरी उत्सव जो मनाया जाता है। हमारी भजन गायक जो है अनुजा जोशी जो कि बम्बई से आ रही हैं और मतलब उनका मंगल पाठ भी बहुत ही ज़्यादा जो है भव्य रूप में वो जो है मंगल पाठ करती हैं। प्रसाद और भंडारे का भी आयोजन है, कलश यात्रा के बाद भी प्रसाद का आयोजन है और उसके बाद मंगल पाठ में भी प्रसाद का आयोजन है। 20 सालों से ये हमारा जो है मंगल पाठ उत्सव हो रहा है, ये हमारा 20वां उत्सव है और ये हर साल इसी तरह से मनाया जाता है। मैं रोहित तुलस्यान श्री भोलेश्वर श्याम मंदिर का एक सदस्य हूँ, ये संस्थापक सदस्य हूँ और इसमें हर साल ये उत्सव होता है। इस बार ये 20वां उत्सव है, ये झुंझुनू वाली दादी जी का ये आज से नहीं 500 साल पुराना स्वरूप है दादी जी का, जो आज हम लोग इस जन्म में बना रहे हैं। मंगल पाठ के मंगल पाठ होगा, चूनर उत्सव होगा, नृत्य नाटिका होगी जो महिला और बच्चों के द्वारा होता है, उसके बाद भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, 56 भोग है, 125 मणि है। नाटक में जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनको कोई नगद राशि इनाम करूं? नहीं, नगद राशि का कोई इनाम नहीं, दादी जी का आशीर्वाद स्वरूप इनाम प्राप्त होता है। दादी जी का आशीर्वाद ही हम लोग का इनाम है।